फ्रेंड्स, क्या आपको ये पता है आपकी बॉडी में कितना खून है? अब आप सोचेंगे मैं ये आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों हमारी बॉडी में बीमारी कोई भी हो इसके पीछे के कारण सिर्फ दो तीन ही होते हैं। अगर आपने उन दो तीन कारणों को ठीक कर लिया तो आपकी बॉडी से 99% बीमारियां ठीक हो जाती हैं। अब उन दो तीन कारणों में जो सबसे बड़ा कारण है वो है हमारी बॉडी में खून की कमी का होना। मान लीजिए कोई एक गाड़ी है, उसमें अगर आप इंजन ऑयल कम डाल दें तो आप सोचिए उस गाड़ी के इंजन का क्या हाल होगा। कम इंजन ऑयल डालने की वजह से उस गाड़ी का इंजन खराब हो सकता है। हमारी इस शरीर रूपी गाड़ी का इंजन ऑयल हमारा खून है। अगर हमारी बॉडी में खून ही कम है तो हमारी बॉडी काम अच्छे से कर ही नहीं सकती, और हम में से बहुत ज्यादा लोगों की बॉडी में तो खून की कमी ही रहती है। दरअसल दोस्तों, खून की कमी हमें एक छोटी सी प्रॉब्लम लगती है, लेकिन इससे कई बीमारियां होती हैं। अब अगर आपकी बॉडी में खून की कमी है तो इससे आपकी बॉडी में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी वो है आपकी बॉडी में एक्टिवनेस की कमी होगी, आलसपन ज्यादा रहेगा, आपको नींद आती रहेगी, सुस्ती पड़ी रहेगी। इसके अलावा आपके बाल झड़ने लगेंगे, आपकी आंखों की रोशनी कमजोर होने लगेगी, आपका खून गंदा होने लगेगा क्योंकि आपकी किडनी की फंक्शनैलिटी कम हो जाएगी, आपकी स्किन ढीली पड़ने लगेगी, आपकी स्किन काली होने लगेगी, आपके सिर में दर्द रहने लगेगा, आपको चक्कर आ सकते हैं, और भी कई प्रॉब्लम्स हैं जो सिर्फ खून की कमी के कारण ही होती हैं। आप सबसे पहले अपना और अपने परिवार का हीमोग्लोबिन टेस्ट जरूर करवाएं, क्योंकि इससे आप ये समझ पाएंगे कि आपकी बॉडी में आखिरकार खून कितना है। क्योंकि दोस्तों, हमारी बॉडी में खून की कमी होने से ढेरों रोग होते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कॉन्स्टिपेशन। ये दोनों ऐसे कारण हैं जिस कारण से इंसान को 100 से ज्यादा बीमारियां होती हैं। लेकिन अगर आपने बॉडी में खून की कमी को पूरा कर लिया और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को खत्म कर लिया तो आपकी 99% बीमारियां ठीक हो जाएंगी। अब इन दोनों चीजों को ठीक करने के लिए आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो आपके लिए अमृत का काम करेगी। एक ऐसी चीज जो आपके घर में है लेकिन आप उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करते। एक ऐसी चीज जो एक दिन के बच्चे को भी खिलाई जा सकती है। जब बच्चा पैदा होता है तो आप उसे माँ के दूध के अलावा कुछ और नहीं दे सकती, लेकिन सिर्फ दो चीजें ऐसी हैं जो एक पैदा हुए बच्चे को दी जा सकती हैं। पहला तो शहद और दूसरा गुड़, यानी कि जागरी। गुड़ एक ऐसी चीज है जिसे आप एक पैदा हुए बच्चे को दे सकते हैं। अब वो गुड़ ही वो चीज है जो आपकी बॉडी में खून की कमी को दूर करती है और दूसरा आपके इनडाइजेशन को या कॉन्स्टिपेशन को खत्म करती है। गुड़ आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है ये चीज जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि गुड़ तो सभी घरों में होता है लेकिन हम लोग इसे दूध में डालकर गुड़ वाला दूध बनाकर पीते हैं, यानी कि जागरी वाला दूध बनाकर पीते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको यह पता है कि दूध के अंदर कभी भी गुड़ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इससे दूध और गुड़ दोनों के ही गुण नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आपको समझना होगा कि आपको दूध में कभी भी गुड़ नहीं डालना चाहिए। आपको गुड़ को सिर्फ और सिर्फ सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ लेना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा गुड़ सुबह उठकर खाली पेट आप खाएं, ऊपर से एक गिलास गुनगुने पानी का पी लें। ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसा अगर आप करते हैं तो इससे आपकी बॉडी में कई बदलाव आएंगे, इससे आपको कई ऐसे फायदे मिलेंगे जिससे आपकी कई बीमारियां नष्ट हो जाएंगी। दोस्तों चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि गुड़ के कौन कौन से फायदे आपको किस तरह से बीमारियों से बचा सकते हैं। सबसे पहले, गुड़ में आयरन बहुत ही ज्यादा होता है और ये आयरन हमारी बॉडी में खून की कमी को पूरा करता है। दोस्तों पुराने जमाने में लोगों के शरीर में खून की कमी नहीं होती थी, क्योंकि पुराने जमाने में खाना लोहे के बर्तनों में बनाया जाता था और लोहे के बर्तनों में बना हुआ खाना आयरन से भरपूर होता था। लेकिन आजकल हमें लोहे के बर्तन